السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لو أن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آجم إن شاء الله أمثال القرآن في برنامج سلسلة صدقہ کر کے ضائع والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے. سورة البقرة في آية نمبر 266 میں إرشاد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار لَوْ فيها من كل الثمرات. له فيها من كل السماوات وأصابه الكبر وله ذرية، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار، فأصابها लाकुन। 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 खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों उसके लिए उसमें हर तरह के फल हों और इस हाल में उसको बुढ़ापा आ पहुंचे और उसके छोटे छोटे बच्चे अभी कमजोर हों तो अचानक उस बाग पर एक बगोला आ पड़े जिसमें आग भरी हो तो वह जल कर राख हो जाए इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए निशानियां खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बयान के बारे में ये चौथी मिसाल है जो सूरत बकरा में या के बाद दी जाने वाली मिसालों में से एक है और आखिरी है मिसाल का सियाक सबाक कुछ यूं है कि खर्च करने के बयान में जो पहले पैदर पे पै आयात आई जिनमें खर्च करने की फजीलत और खर्च करने के कुछ आदाब बयान हुए और फिर रियाकारी और एहसान जताना और अजियत जैसे असबाब बयान हुए जो खर्च करने के अजर को ज़ाया कर देते हैं तो यहाँ खासतौर पर इस आयत में भी रियाकारी एहसान जतलाने लाने और अजियत देने के नुकसान को वाजहे करने और उससे बचने की मिसाल दी जा रही है तो इर्शाद बारी ताला है आय अवद्दु अहदुकुम अंतकून लहु जन्नतुन आय अवद्दु क्या चाहता है अहदुकुम कोई एक तुम में से यहाँ हमजा इस्तेफाम का है यानी इस्तेफाम नफी के माने में है यानी कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका ऐसा बाग हो जिसका इतना भयानक अंजाम हो जो आखिर में बताया गया है लेकिन बाग का जो मंजर है और बाग की जो खूबसूरती है उसको देख कर तो हर कोई चाहेगा कि उसका ऐसा बाग हो इसलिए यहां पर सवाल किया गया है का से है हैं खालिस मोहब्बत को किसी चीज के साथ कामिल मोहब्बत होना उस चीज के हासिल होने की आरजू और तमन्ना करना यानी क्या कोई तुम में से ऐसा बाग हासिल करने की तमन्ना करेगा चाहेगा कि वो उसके पास हो कैसा बाग मिन नखील व आना बिन जो खजूरों और अंगूरों पर मुश्तमल हो खजूर और अंगूर फलों में से बेहतरीन फल है जो गजा भी है और दवा भी हैं ये फल आम फलों के मुकाबले में अफसल है इनके फवायद भी ज्यादा है और खसूस हम देखते हैं कि अजवा खजूर में शिफा भी है जैसा कि हदीस में आता है रसूल सल्ला वल्म ने फरमाया बालाई इलाके की अजवा खजूर का नहार मुँह इस्तेमाल करना हर किस्म के जादू और जहर से शफा है यानी टॉक्सिन वगैरह भी उससे दूर हो जाते हैं तो बहरहाल ये फल मजे में जायके में गजाइत में बहुत मुफीद हैं फायदा मंद है और इसलिए भी इनकी मिसाल बयान की गई कि अरबों के हाँ ये दो फल आमतौर पर पाए जाते थे जिनसे सभी वाकिफ थे हो सकता है कि अगर मैंगो की मिसाल दी जाती तो वहां लोग ना समझते कि आम क्या होते हैं तो करीब की मिसाल दी गई कि लोग बात भी समझे और वैसे भी हम देखते हैं कि एक और जगह भी बाग वालों का किस्सा आया तो वहां भी इन्हीं फलों का जिक्र है तजरी मिनता तिहल अनहार उसके नीचे से नहरें बहती है अनहार जमा का सीगा है इससे ये पता चलता है कि बाग में सिर्फ एक नहर नहीं थी मुख्तलिफ तरह की नहरें थी और ये बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई थी इससे ये भी पता चलता है कि बाघ एक बड़ा बाग था छोटा सा नहीं था तो इस एतबार से ये एक बेहतरीन बाग था कि जिसमे आबपाशी का मुकम्मल इंतजाम था कोई उसमें मुशक्कत की बात नहीं थी क्योंकि बारिश कभी होती है कभी नहीं होती अगर चाहे बहुत बेहतरीन होती है जब हो तो लेकिन ना हो तो फिर काम रुक भी जाता है इसी तरह अगर कुएं से पानी निकाल के खेत को लगाना पड़े तो वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है तो उसके बरक्स अगर किसी बाग के अंदर नहरें बह रही हो तो उसके मालिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता लोग ऐसी जगह पर रश करते हैं ऐसे बाग पर ऐसे खेत पर और इसी तरह यहाँ मिनत अनहार में इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि वो पानी उसकी अपनी मिल्कियत था कहीं और से नहीं ले रहा था बाज नहरें ऐसी होती हैं कि दूसरों के इलाके से के आ रही होती हैं और वो जब चाहे उनका नाका बंद कर दें और पानी रुक जाए तो ऐसी भी कोई मशक्कत नहीं थी यानी हर लिहाज से परफेक्ट किस्म की सहूलतें थी मुकम्मल सहूलतें थी बेहतरीन सूरत हाल थी लहू फीहा मिनकुल्ले मारात मजीद ये की उस बाग में हर तरह के फल थे यानी फलों की मुख्तलिफ अकसाम पर मुश्तमिल था अब जिनके नाम नहीं लिए गए वो मेवे, सब्जियां और कई किस्म के फल हो सकते हैं तो इस बाग में खास तौर पर तीन चीजों का जिक्र है यहाँ पर नंबर एक है उस बाग में खजूरें और अंगूर हैं ये ऐसे फल हैं कि जो ताजा भी इस्तेमाल होते हैं और खुश्क होने के बाद भी इस्तेमाल होते हैं ड्राई डेड्स एंड ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं दूसरा ये कि उसके अंदर मुत्द नहरे हैं और तीसरा ये कि इस बाग में और भी मुख्तलिफ किस्म की नबातात हैं, फल हैं, मेवे हैं तो ये इस आयत का पहला हिस्सा है पहला मंजर है कि एक शख्स के ऐसे बाग की मंजरकशी की गई है कि जिसको इमेजिनेशन में भी देख कर दिल खुश हो जाता है और इंसान रश करता है कि काश मेरा ऐसा बाग हो लेकिन अब मिसाल का दूसरा हिस्सा या आयत का दूसरा हिस्सा सामने आता है कि बाघ का जो मालिक है अब वो बूढ़ा हो चुका है सारी जिंदगी उसने काम किया है, अपना बाग लगाया क्योंकि बाग की जब तक केयर ना करें उसका ख्याल ना रखें तो हम देखते हैं कि वो बर्बाद हो जाता है उसका फल नहीं आता या जाया हो जाता है या उसमें बीट झुक जाती है लेकिन इस शख्स ने अब भरपूर ख्याल रखा पूरी मेहनत की और अब काम कर करके रिटायरमेंट का वक्त आ गया बिल्कुल थक गया बूढ़ा हो गया वाला जरूरी तुम और उसकी कमजोर औलाद है यानी खुद मालिक को बुढ़ापा लायक हो गया है और औलाद जो है वो अभी या तो छोटी है कमजोर इस एतबार से या फिर यह भी हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से कमजोर हो वो हैंडी कैप हो या कोई और मसला हो उनके साथ या ये कि ना समझ किस्म की जहनी तौर पर अकली तौर पर कमजोर हो कि उन्हें काम कारोबार ना आता हो और उन सब की रोजी का और उन सब की जरूरिया का इंसार इसी बाघ पर हो तो इस शख्स ने पूरी मेहनत करके बाघ तैयार कर दिया ताकि वो बुढ़ापे में आराम कर सके या दुनिया से जाने के बाद उसकी औलाद उस बाघ से पूरा फायदा उठा सके अब उसे इस बाघ की भरपूर आमदनी की उम्मीद थी और हाँ खासतौर पर यहाँ बुढ़ापे का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि बुढ़ापा ऐसी बीमारी है या ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसमें इंसान जवानी की तरह भाग दौड़ नहीं कर सकता ज़्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि जवान इंसान जो है वो मज़ीद अपने कारोबार को बढ़ा सकता है ज्यादा मेहनत कर सकता है कहीं कोई कमी बेशी हो जाए नुकसान हो जाए तो वो एक नई राह इख्तियार कर सकता है लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि इंतहाई बुढ़ापा और इंतहाई कमजोर औलाद और उसके बीच में एक और आफत आ गई फसा बहा ऐसा फी हिना रुन फह तो उस बाघ को आ पहुंचा एक बगोला एहसार एहसार जो है ये टोर्नेडो को कहते हैं अरबी में इसका एक माना किया जाता है आग का बगोला जो जान ले लेता है यानी अचानक आ पड़ने वाली आग जो इंसान को वहीं पसम कर दे इसी तरह इसका माना है गोल घूमने वाली आंधी बगोला बगोलडो में और फिर वो वर्टिकली ऊपर को भी जाती यानी घूमती जाती है और उसके साथ साथ बुलंदी की तरफ चढ़ती जाती है और साथ आगे भी रवा होती जाती है तो गोल घूमने से नुकसान ये होता है कि उसके घेरे में जो चीज आती है फिर उसको वो फना करके रख देती है यानी जिस चीज के पास से भी गुजरती है उससे लिपट जाती है जैसे कपड़े को बल दिए जाते ना तो ऐसे ही ये चीजों को बल देती जाती है अपने अंदर समेटती जाती है और फिर आप देखिए कि ये आंधी जो है इसकी खसूसियत क्या है कि ये तबाही तबाही लाती है यानी इसमें खैर नहीं होती ये ऐसी हवा है जो खैर नहीं लाती रीहो नकीम है हर चीज को तबाह करके रख देती है आमतौर पर नहीं चलती ऐसी हवा बहुत रेयर केसेस में होती है और कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले 2003 में ऐसा टोर्डो या ऐसा बगोला दरियाफ्त हुआ कि जिसमें हवा भी थी और उसके अंदर आग भी थी और बाकायदा उसकी वीडियोस मौजूद है नेट पर तेज हवा ऊपर को उठ रही है और उसके साथ साथ तो आग भी ऊपर जा रही वरना अमूमन क्या होता है कि जहां आग होती है अगर हवा चले तो आग बुझ जाती है लेकिन ये इस किस्म की आग है कि हवा ने उसको अपने घेरे के अंदर लिया हुआ और वो भी खूब भड़कती चली जा रही है और ये भी माना किया गया कि उसमें बहुत शदीद हरारत भी है फी ही नारून अब हुआ यह कि यह गोल घूमने वाली आंधी ये बगोला ये ऐसार ये टोर्नेडो आग लिए हुए उस बाघ के पास से गुजरा उसको अपने घेरे में ले लिया और हर चीज उसकी तबाह कर दी अगर आप नट पे देखे तो जापान की एक जलजले की तस्वीर नजर आती है उसमें एक इलाका दिखाया गया है कि जिसमें जलजले के बाद ऐसी हवा सी चली कि जिसमें आग थी जिसने उस पूरे इलाके को शायद थर्टी एट मिनट्स में जला के रख दिया तो फहतरकत है यानी जब ये आग पड़ी उस बाग को तो उसके पत्ते उसके फल उसकी टहनिया उसकी जड़े सब कुछ खुश्क हो गया जल गया राख हो गया अब आप सोचिए कि उस आदमी का हाल क्या होगा वो किस कदर रंजीदा होगा किस कदर गमगीन होगा, कि बुढ़ापे में अपनी कमजोरी और औलाद की कमजोरी की हालत में उसने बाघ खो दिया कि अब ना तो वो खुद कमा सकता है ना बच्चे उसको कमा के दे सकते हैं मुसीबत पर मुसीबत पर मुसीबत अब अंजाम क्या है कि जिंदगी आइंदा की इंतहाई तंग होगी हसरत होगी और रिगरेट्स ही रिगरेट्स होंगे सारी मेहनत सारा सरमाया लगाया हुआ सारी जवानी उसमें खपाई हुई सारा वक्त लगाया हुआ सब कुछ बर्बाद हो गया आन की आन में यानी अब हाथ ही मलता रह गया वो शख्स कि सब कुछ उसके हाथ से निकल गया शदीद हसरत का शिकार हो गया अब देखिए कि इब्तदा कितनी खूबसूरत और इंतहा कितनी भयानक यानी खूबसूरत बाग वह फिर फल वानी और इंतहा में राख ही राख कुछ नहीं बचा कदालकुम आयातफ कर इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को बयान करता है ताकि तुम गौर विकर करो यानी दलाइल वाज करता है मिसालें बयान करता है क्यों ताकि तुम गौर विक्र करो यानी इबरत हासिल करो सबक लो रहनुमाई हासिल करो ये किन लोगों की मिसाल है ये उन लोगों की मिसाल है जो अपने सदकात देने के बाद अमाल करने के बाद एहसान जताते हैं तकलीफ पहुंचाते हैं रियाकारी करते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी नेकी जो बाहर बड़ी खूबसूरत मालूम होती है उस बाग की तरह सब की सब ज़ाया हो जाएगी उसका कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा आखरत में जबकि उनको उसकी शदीद ज़रूरत होगी तो आप देखिए कि इस बाग में बहुत सारी खूबियां थी लेकिन इस सारी खैर के बावजूद बावजूद इसके उसमें पानी भी था नहरें भी थी लेकिन आग हावी हो गई तो जब आप ऐसे बाग के बारे में पढ़ते हैं तो हर शख्स के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि इतना मुकम्मल और इतना खूबसूरत बाग मालिक कितना खुशकिस्मत है लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एन उस वक्त जबकि उसको जरूरत है इस बाग के फायदे की उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता और उसके पास सिर्फ हसरतें बाकी रह जाती हैं गम परेशानी मुस्तकबिल का खौफ तकलीफ ही तकलीफ औलाद को देख के उनकी शक्ल को देख के भी तकलीफ अपनी हालत को देख के भी तकलीफ बाघ को, को देख के भी तकलीफ हर तरफ मायूसी ही मायूसी है इसी तरह की एक मिसाल हमें सूरत अलहफ में भी मिलती है जिसमें अल्लाह सुबहान तौ दो लोगों का वाक बयान करते हैं कि उनमें से एक के पास दो बाग थे जिनमें अंगूर थे और अंगूर अंदर थे लेकिन उसके साथ साथ उस बाग को खजूरों ने घेर रखा था वह हफफ ना हुमा बिनख नुमा जरा बाग के अंदर खेती भी थी यानी और भी चीजें लगी हुई थी किल तल जन्न तई नहा वम तजिल आ वह फज्जर ना नहरा उसके बीच नहरें भी चल रही थी वह कान ना समर और उसका बहुत सा फायदा था पल था आमदनी थी तो आप देखिए कि इन दो मिसालों में काफी मुसिलत भी पाई जाती है तो कहने का मतलब यह है कि जो शख्स मेहनत करता है और खसूस इबादत में मेहनत करता है उसे चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करे ऐसा अमल उस खेत की तरह है जिसमें फल फूल है नहरे हैं तरह तरह के फल हैं दिलकश बाग है यानी ये हमारे नेक आमाल हमारे लिए क्या है एक दिलकश बाघ की हैसियत रखते हैं और बगोला क्या है नेकियों को जाया करने वाले अमाल चाहे वो जो इन आयात में बयान हुए या इसके अलावा जिनकी कुछ तफसील में आगे जाकर बयान करूँगी इंसान अपने आमाल का सबसे ज्यादा जरूरतमंद कब होगा या उनके अजर का या उनके कमर का या उनके नतीजे का जब वो अल्लाह के पास पहुंचेगा लेकिन जब वहां पहुंचेगा लम ये शै वहाँ तो कुछ भी नहीं होगा अल्लाह सबात से मुलाकात करेगा और पूरा पूरा उसका हिसाब चुका दिया जाएगा तो बुनियादी तौर पर यहाँ एक मुनाफिक शख्स के अमाल का जिक्र है जो बज़ाहिर बड़ी बड़ी नकियां करता है चैरिटी के बड़े बड़े काम करता है लेकिन वह सद का खैरा सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करता है क्योंकि कुरान मजिद में, में मुनाफिक के बारे में आता है कि वो दिखावे के अमाल करते हैं नापसंदीदगी से खर्च करते हैं लेकिन जहाँ शोहरत की बात होती है वहां पर या जरूरत या फायदा या मकसद कोई होता है तो खूब खर्च करते हैं तो बाघ के हुसन और खूबसूरती से मुराद मुनाफिक का अमल है जो बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत होता है आपने देखा होगा कि बाज लोग बज़ाहिर बहुत खुश अखलाक होते हैं वो आपके साथ लेन देन करते हैं दावतों पर आपको बुलाते हैं बाहिर लगता है कि लोगों के बहुत से काम कर रहे हैं लोग आकर उनको अपने मसले मसाइल बताते हैं वो उनके मसाइल हल करने के लिए दौड़ते हैं खुशी गमी के मौके पर वो लोगों के पास पहुंचते हैं मुबारकबाद देने हाजिर होते हैं कोई फौत हो जाए तो फौतगी के मौके पर हाजिर होते हैं और बात उन्हें कोई शिकायत भी हो जाए तो शिकायत भी पी जाते हैं लेकिन जब उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज हो जाए या जहां उनको कोई फायदा नजर ना आए या कोई उन पर तनकीद कर दे या फिर ये के उनके मफाद पर कोई जद पड़े तो उनकी असलियत खुल के सामने आ जाती वो जितना भी आपके साथ एहसान कर रहे होते हैं ये जितने भी बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं वो उन सब से अपना हाथ खींच लेते हैं अब वो आपको सलाम में पहल नहीं करेंगे आपको देख के मुस्कराएंगे नहीं आपको अपनी दावत में बुलाना भूल जाएंगे आपको मुश्किल पेश आएगी तो वो आपके काम नहीं आएंगे अगर आप उनसे शिकवा भी करें तो वो भी कोई बहाना कर देंगे क्योंकि उनको आपसे शिकायत हो गई आप इंसान थे आपसे गलती हो सकती है तो बाज लोग दुनियावी फायदों के लिए दीनदार बने हुए होते हैं दुनियावी फायदों के लिए वो लोगों में अपनी पब्लिक रिलेशनिंग बढ़ाने के लिए पीआर के लिए वो लोगों के साथ बहुत अच्छा रख रखाव करते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लोगों से उनको फायदा नहीं पहुंचा जिसकी वो रखते थे या कोई शख्स उनकी आग पे पूरा नहीं उतरा, तो सब कुछ खत्म करके कर इतनी मुहब्बतों का इजहार करते थे और जो मकसद पूरा नहीं हुआ तो निगाहें ही फेर ली रंग ही बदल लिया तो ऐसे शख्स की यहां मिसाल दी जा रही है कि जिसने बाव संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी डिफरेंट चीजों का जिक्र है न पानी भी है खेती भी है खुजूर के ऊंचे दरख्त भी हैं, अंगूरों की बेले भी लटक रही हैं, और भी तरह तरह के फल हैं, हैं। यानी हर किस्म की नेकियां कर रहे सदका के अलावा नेकियों के काम कर रहे हैं लेकिन उससे वो क्या चाहते हैं? दुनिया में जल्द मिलने वाला बदला और जब वो बदला नहीं मिलता तो फिर वो नेकी नहीं करते आप देखिए बहुत से लोग सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब आप उनकी तारीफ करते रहे उनको तारीफ का फ्यूल चाहिए होता है खुशामद करते रहे उनकी उनके आगे पीछे फिरते रहे फिर तो वो आपके काम आएंगे वरना नहीं तो ये सूरत हाल जो है ये इतहाई खतरनाक है इससे इंसान को बचने की जरूरत है क्योंकि इसका अंजाम बड़ा भयानक है किसी के साथ मेहरबानी करना उस पर गोया सदका करना है तो उसका वापस उससे सिला चाहना अपने अजर को ढाना है तो जो शख्स शुरू में अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है दिखावा करता है लेकिन कभी अल्लाह की रजा भी दिल में होती है क्योंकि बाज लोग ऐसे होते हैं वो दिखावा नहीं भी करते अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होते हैं तो इब्तः में तो उनको अजर हासिल हो जाता है लेकिन फिर किसी वक्त तंग आकर फट पड़ते हैं और एहसान जता के अजियत दे के सारा कुछ बर्बाद कर देते यानी एक तरफ रिकार की मिसाल है और दूसरी तरफ ऐसे बंदे की मिसाल है कि जो वैसे काम ठीक करता है ईमान भी है उसके अंदर अल्लाह के लिए भी कर रहा है लेकिन एहसान जताने की आदत नहीं जाती उसकी या अजियत देने की आदत नहीं जाती तो क्यामत के दिन जब वो उठेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा कोई अजर सवाब नहीं होगा जिसका वो मुंतजर होगा कितना बड़ा शौक होगा कि इंसान नेकिया कर कर के जमा कर रहा और खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं जब क्यामत के दिन जाऊंगा तो मेरा बड़ा अच्छा इस्तकबाल होगा और जब वो वहां जाएगा तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर चुका होगा ऐसे शख्स का फिर क्या हाल होगा तो अगरचे ये सदकात के सिलसिले की मिसाल है लेकिन आयत का उमूमी माना भी है जो हर नेकी करने वाले को आम है यानी मिसाल उन सब लोगों के लिए भी आम है जो नेक अमल करते हैं फिर साथ ही कोई फासिद अमल करके अपने अमल को बातिल कर लेते हैं तो मुफसरीन कहते हैं क्योंकि मिसाल के अल्फाज आम है और जो आम अल्फाज होते हैं उनका उमूमी माना लिया जाता है उसको सिर्फ किसी एक खास नेकी के लिए मखसूस नहीं किया जा सकता तो जो लोग नेक अमाल करने के बाद उनको जाया करते हैं उनका अशर यही होगा कि वो आमाल उनके धूल बन के खत्म हो चुके होंगे शेख सादी कहते हैं यह मिसाल उस शख्स की है जो अल्लाह की रजा के लिए अमल करता है खा वो सदका हो या कोई और अमल फिर वो ऐसे अमल करता है जो उस अमल को तबाह कर देते हैं यानी पहले अमल को तबाह करके रख देते हैं उबैद बिन उमर कहते हैं कि उमर रजी अल्लाह ने एक मरतबा नबी सल्लाह के सहाबा से पूछा तुम्हारा क्या हाल है कि आयत किस उन्होंने कहा कहो हम जानते हैं या हम नहीं जानते ये क्या बात हुई कि अल्लाह ही जानता है अल्लाह तो हर चीज जानता है लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा अब अभी तो ऐसा ही है ना कि जैसे कोई आपसे अपना मसला बयान करे और कहे कि मुझे इस मामले में बताएं कि ये चीज हलाल है या हराम है तो आपने अल्लाह ही जानता है भाई अगर आप जानते तो आप बता दे नहीं जानते तो आप कह दे मुझे नहीं मालूम आई डोंट नो तो बहर उस वक्त इतने अब्बास कहने लगे अमीरमिन मेरे दिल में इसके मतलब एक बात आई है हजरत उमर ने फरमाया भतीजे बयान करो और खुद को हकीर ना ख्याल करो हजरत उमर जो थे अपने अब्बास को बहुत इंक्रेज करते थे और वो उनको अपनी मजलिस से बड़ा करीब बिठाते थे जिस पर कई बुजुर्गों को एतराज भी था तो बहरहाल उन्होंने फिर एक दफा उनका टेस्ट भी ले लिया सबके सामने उसके बाद सब मुतमिन हो गए कि इन्होंने जवाब दिया और बाकी लोग ना दे सके तो इबन अब्बास हैं इस आयत में अमल की मिसाल बयान की गई है हजरत उमर ने कहा कौन से अमल की इब्न अब्बास कहते हैं बस अमल की यानी किसी भी अमल की और बात तो सही है हजरत तो उमर कहते हैं ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह अजाजल्ला की इतात में अमल करता रहता है फिर अल्लाह उस पर शैतान को गालिब कर देता है तो वो गुनाहों में मसरूफ हो जाता है हत्ता के उसके नेक अमाल फना हो जाते हैं यानी सारी जिंदगी अच्छे काम करता है आखिरी उम्र में जाके भटक जाता है गलत वसीयत कर जाता है या गलत कामों में पड़ जाता है या भाजकत आप देखा होगा कि बुढ़ापे में आके इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चों को भी बेवजह बाजू का डांट डपट करना शुरू कर देता सारी जिंदगी उन पर एहसानात किए होते हैं। फिर वो बैठ के उनको गिनवाना शुरू कर देता है तो सारी जिंदगी की मेहनत और सारी जिंदगी की कोशिश जाया करने वाली बात हो जाती है क्योंकि इंसान जब कमजोर होता है ना तो शैतान भी उस पर गालिब आ जाता है बाजोकात यह भी होता है कि इंसान माल जमा करने में और दुनिया के कामों में इतना मसरूफ होता है कि उसको अल्लाह की याद का वक्त नहीं मिलता दीन सीखने का वक्त नहीं मिलता और फिर शैतान एक वक्त में आके उसका कोई वीक प्वाइंट देख के उसको ऐसा घेरे में लेता है कि उसके मुंह से ऐसी बातें निकलवा देता है कि जिसकी वजह से वैसे वो एक अच्छा इंसान था लेकिन उसके अच्छे अमल बर्बाद होके रह जाते हैं तो कई एतबार से इस मिसाल के मुताबिक इंसान को कॉन्शियसली जिंदगी बसर करने की ज़रूरत है और तकवा इसी चीज का नाम है कि इंसान हर स्टेप पर जिंदगी के हर मोड़ पर गॉड कॉन्शियस रहे अल्लाह से डरता रहे कि कोई गलत काम उससे ना हो जाए तो बहरहाल इस मिसाल में मुशावहत की वजह यह है कि शदीद ज़रूरत के वक्त नेमत छिन जाने से इंसान के अंदर शदीद हसरत पैदा हो जाती है जितनी शदीद ज़रूरत होती है उस वक्त नेमत चली जाए तो उस इंसान के अंदर फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी नदामत रिग्रेट हसरत पैदा हो जाती है और ख़ास तौर पर इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि उस दिन इंसान के सामने वो चीज़ें जाहिर होने लगेंगी जिनका उसको ख्याल भी न था सूरत ज़ुमर में आयत आती है वह बदाल मालम यकून या तस और उनके लिए अल्लाह की तरफ से वो कुछ सामने आ जाएगा जिसका वो गुमान भी नहीं किया करते थे जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था यानी एक शख्स अगर बाग लगा रहा है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि इस पर कोई आसमानी बिजली आ गिरेगी और खत्म हो जाएगा वो तो यही सोचता है कि मैंने इतना काम कर दिया कि नस्लें खाएंगी इससे लेकिन उसको नहीं पता होता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है वह बदलून इसी तरह कुरान मजीद में आता है वल्लिन का फरू आमाल सरा बिन का सरा जिद वह इंदाबा वाहब और वो लोग जिन्होंने कुमाल किसी चटियल मैदान में एक शराब की तरह है जिसे प्यासा पानी ख्याल करता है यहां तक के जब उसके पास आता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता वो पानी नहीं होता और अल्लाह को अपने पास पाता है वबाजद इंदू यानी अल्लाह के पास क्या के दिन हिसाब देने पहुंच गया और वो उसे उसका पूरा पूरा हिसाब चुका देता है और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है यानी यह मत सब जो कि आखिरत दूर है जल्द ही वो वक्त भी आने वाला है जहाँ दिखावे और रियाकारी के साथ किए हुए अमाल धूल बना के उड़ा दिए जाएंगे सूरत फरकान में आता है वह कदम न इलावा अमिलुम ना अमलिन फा अल्ला हबा अम मंूरा और हम उसकी तरफ आएंगे जो उन्होंने कोई भी अमल किया होगा तो उसे बिखरा हुआ गुबार बना देंगे सब कुछ खत्म होकर रह जाएगा तो इसलिए कोई भी नेकी इंसान करे और जब सदका करे तो उसके आदाब का ख्याल रखे सबसे पहली बात तो ये हलाल माल में से खर्च करे तयब चीज़ के रास्ते में खर्च करे इस मिसाल के फौर है तय्यबात माँ का सब तुम ऐ लोगो जो ईमान लाए हो उन पाकिजा चीजों में से खर्च करो जो तुमने कमाई है अल्लाह सुबह पाक है और पाक चीज कबूल करता है इन अल्लाह तय्यब ला यकबलू अल्ला बन इसलिए उमदा से उमदा चीज अल्लाह के रास्ते में देनी चाहिए हराम माल से दिया हुआ सदका नेकी की बजाय उल्टा गुनाह का सबब बनता है नबी फरमाया, जिसने हराम माल जमा किया फिर उसके जरिए सदका किया तो उसके लिए उसमें कोई अजर षवाब नहीं बल्कि उसका गुनाह उस पर होगा यानी वो सदका सवाब नहीं बल्कि गुनाह बन जाएगा फिर इसी तरह नापाक चीज खर्च नहीं करनी चाहिए अल्लाह फरमाते हैं वला तयम कि जो तुम खर्च करते हो उसमें से खबीस ना हो निकम्मी और रद्दी चीज ना हो बिल्कुल बेकार के जो किसी के काम ही ना आए खबीस नापाक यानी गली सड़ी या फिर यह है कि कोई हराम की चीज मिसाल के तौर पर कोई नॉन मुस्लिम आपको शराब का तोहफा दे देता है तो आप कहते हैं चलो गिराने की बजाय डिस्कार्ड करने की बजाय किसी और को तोहफा दे देते हैं तो ऐसी चीजें तोहफा भी नहीं देनी चाहिए कोई आपको ऐसी केक या चॉकलेट्स ला के दे देता है तो फिर इसी तरह यह है कि रद्दी और निकम्मी चीजें नहीं देनी चाहिए एक शख्स ने एक दफा कमजोर सा ऊंट का बच्चा दिया अल्लाह के रास्ते में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुबारिक फी ही वाला फी इबिली ही अल्लाह इसमें और इसके ऊंटों में बरकत न फरमाना तो बहरहाल उस शख्स को जब ये बात पहुंची तो बहुत परेशान हुआ दौड़ता हुआ आया कहा मैं तौबा करता हूँ माफी मांगता हूँ तो आपने उसके लिए दुआ की नफली सदकात में भी खबीस चीज देने से बचना चाहिए यानी फजूल और फालतू किस्म की चीज नहीं देनी चाहिए मस्जिद नबी में बाजुकात लोग ला के रखते थे और उसमें ऐसी भी आ जाती थी जो खाने के लायक नहीं होती थी तो उससे मना किया गया वला तयमीस अमिन तुम फिकु नलास तुम भी आखिर ही तुम खुद नहीं उसको लोगे अगर तुम्हें कोई देफी मगर ये कि आप उसमें अपनी आंखें बंद कर लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया बिला शुबा क़यामत के दिन ये सदका करने वाला ऐसी ही खराब खजूर खाएगा यानी जो किसी को खिला रहा है वही कल इसको मिलेगी यानी जो चीज़ खुद को पसंद नहीं वो दूसरों को भी ना दे एक तो इस अतबार से के चीज़ ठीक है लेकिन आप असल बीमार हैं या आपको खाने से मना है लेकिन दूसरों के लिए बड़े फायदे किए तो वो इसमें नहीं आता इसका मतलब यह है कि जिस चीज का खाना आपके लिए नागवार हो पुरानी हो बासी हो जो इस्तेमाल के काबिल ना हो वो मत दो किसी को हती की मिसकिन और गरीब फकीर को भी वो ना दो जो तुम खुद नहीं लेते इसके बरक्स अपनी पसंद की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो क्योंकि लन तनाल मा तो है बोन फिर इसी तरह यह है कि इंसान पूरे दिल के साथ चीज दे अब देखिए मसलन आप रोबोट से कोई काम करने के लिए कहते है। मसलन कहते हैं पानी का गिलास लाओ वो आपके लिए ले आता है अब रोबोट की ना तो कोई नीयत है ना कोई जज्बात है ना कोई एहसास कुछ भी नहीं उसे पानी लाके रख दिया लेकिन एक अल्लाह के बंदे को आप कहते हैं कि पानी का गिलास दो तो शुक्र है मुझे नेकी का मौका मिला वो तो दिल के जज्बात के साथ हाजिर होता है अल्लाह को राजी करने की नीयत से और बेहतरीन तरीके से खुशी से स्मायल करते हुए आपको पेश करता है इन दोनों में फर्क है इस इंसान को अजर मिलेगा रोबोट को कुछ भी नहीं मिलने वाला इसी तरह जो लोग बिल्कुल रोबोटिक अंदाज में नकिया करते हैं ना कोई जज्बात ना कोई एहसास ना कोई नीयत ना कोई इरादा ना कुछ बस एक मशीन की तरह काम हैं मशीन की तरह सदका कर रहे हैं, मशीन की तरह, ही मशीन की तरह ही सब कुछ कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म का कोई ईमान और एहतसाब शामिल नहीं तो अजर भी नहीं वह हदीस में आता रमन और रमदान ईमानन व एहतसाबन जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ ईमान से मुराद पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह इस पर अजर देगा और अल्लाह ताला ही इसकी जजा देने वाला है मुझे और दूसरा ये कि एहतसाब यानी अल्लाह की रजा को सामने रखते हुए उन्होंने ये किया कि इस पर मुझे अजर मिलेगा लिहाजा मैंने अल्लाह ही के लिए करना है तो फिर मनकाम और अमदान में भी ईमान और एहतसाब आता है फिर ललकदर में भी ईमान और एहतसाब हमें बाकी नेकियों में भी ये चीज शामिल कर लेनी चाहिए कि यकीन के साथ करे तस्वीर अम में न और उसके साथ अच्छे दिल के साथ अब हम देख लेते हैं कि इस मिसाल से क्या क्या बातें हमने सीखी पहली बात तो ये दुनिया की जिंदगी की मिसाल एक खेती की तरह है एक दुनिया की खेती है और एक आखरत की खेती है मन का नीद हर सल आखिर नजीद लहूफी हर सी व मन का नर सद दुनिया नोति मिन वहूफ लखिर तिन नसीब जो आखरत की खेती चाहता है यानी यहां सब कुछ लगा रहा है कि वहां जाके फल काटे हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा करेंगे और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है इंस्टेंट इंस्टेंट और नतीजा और तो उससे चाहता है, चाहता प्रॉफिट तो हम उसे उसमें से कुछ दे देंगे और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं तो इसलिए इंसान जो भी काम करे नेकी का आखिरत को मद्देनजर रखते हुए करे यानी अल्लाह की रजा तो हो लेकिन आखिरत का एहसास हो फिर इसी तरह इस मिसाल से हमें यह बात भी पता चलती है कि इंसान को डरना चाहिए बुरे अंजाम से कि मैं जो इतनी रौनक लगा के बैठा हुआ हूं बड़े अच्छे अच्छे काम अपने ख्याल में शौक में कर रहा हूं एहतसाब करूं अपना हिसाब करूं अपना क्या इसके आदाब और इसके अहकाम जो अल्लाह ताला ने इस काम से मुतलक दिए हैं उनको मलहूज रख रहा हूं या नहीं और इसका अंजाम क्या होने वाला है क्योंकि इन नवी में हा माल का दारदार उनके खात्मे पर भी है कि उन अमाल का नतीजा क्या निकलता है उससे हासिल क्या होता है तो बुरे खात्मे से इंसान को डरना चाहिए फिर यह कि अपने अमाल को जया होने से बचाना चाहिए अपनी मेहनत की हिफाजत करनी चाहिए अपने औकात का भी लिहाज हम रखें और इस बात की शदीद हिरसो कि कोई ऐसा अमल ना करे कि जो आखरत में अजर व का बायस ना हो यानी हमारी नेकियां बढ़ती जाए हमारे मरने के बाद भी वो हमारे लिए नेकी के बड़े बड़े काम जो है वो सदका जारिया बन जाए वो काम रुके नहीं और नेकियों को जाया करने वाली कौन सी चीजें हैं सबसे पहली चीज तो ईमान ना होना यानी अगर इंसान सारी जिंदगी काम करता है और फिर बड़ी उम्र में जाकर अपना ईमान खो देता है मुरतद हो जाता है फेथ उसकी चली जाती है तो कुरान मजीद में आता है बिल ईमान फ़कत हब अमल जो ईमान से इनकार कर दे उसका अमल यकीन जया हो गया इसी तरह शिर का अमाल को जया करता है तो उससे बहुत मोहतात रहना चाहिए फिर कुफ़र को ज़ाय कर देता है वो जो मिसाल अभी दी वली कफ़रुआम का सराब आखरत का इनकार जो है वह अमाल को ज़ाय कर देता है वल्लिन काबत जिन लोगों ने हमारी आयात को और आखरत की मुलाकात को जुटलाया उनके अमाल जया हो गए हजरत आशा फरमाती है मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल में सिला रहमी करता था मिसकिनों को खाना खिलाता था तो क्या उसे उससे कोई फायदा होगा आपने फरमाया ये काम उसे कुछ भी फायदा ना देंगे क्योंकि उसने एक दिन भी नहीं कहा कहातीमद्दीन ऐ मेरे रब बदले के दिन मेरे गुनाहों को माफ कर देना इसी तरह तकदीर का इनकार करने वाला उसके भी अमाल जया हो जाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर कसम खा के फरमाते थे अगर तकदीर का इनकार करने वालों में से किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो सब कसम अल्लाह की राह में खर्च कर दे तब भी अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा जब तक वो तकदीर पर ईमान न लाए क्योंकि ईमान का हिस्सा पिलर है पिलर ऑफ फेथ है तकदीर पर ईमान कितने लोग आराम से कह देते हैं। हम तकदीर कुछ नहीं मानते सब कुछ कोशिश से होता है फिर इसी तरह जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसको नापसंद करना सूरत मोहम्मद में आता है ये इसलिए बेशक उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल की कुरान के अहकाम है तो अल्लाह ने उनके अमाल जया कर दिए फिर इसी तरह अल्लाह ताला की नापसंदीदगी के काम करने वाले व करी रिदवाना तो अहब आम ये इसलिए कि बेशक उन्होंने उस चीज की पैरवी की जिसने अल्लाह को नाराज कर दिया और उसकी खुशनुदी को बुरा जाना तो अल्लाह ने इनके अमाल जाया कर दिए फिर इसी तरह सिर्फ दुनिया के फायदों के लिए नकिया करना मतलूब मकसद दुनिया कमाना और ऊपर लिबादा इस्लाम को ओड लेना वो कोशिश दुनिया की जिंदगी में जया हो गई और वो समझते हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसी तरह खुद पसंदी अपनी नेकियों को बड़ी चीज समझना अपने मुंह मिया मिठू बनना अपनी तारीफे करना अनस बिन मालिक अब्दुल्ला बिन अब्बास अबू हुरैरा अब्दुल्ला बिन अबू वाफी अब्दुल्ला बिन उमर ये सब रवायत करते हैं इतने सहाबी रिवायत करते हैं ये हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बुराइयां हलाक करने वाली और तीन नेकियां निजात देने वाली हलाक करने वाली बुराइयां बुखल जिसकी पैरवी की जाए ख्वाहिश नफ्स जिसके पीछे चला जाए और बड़ाई खोर होना इसी तरह रियाकारी के बारे में तो आप बारहा पढ़ ही चुके हैं नीयत की खराबी नियत की खराबी की वजह से तो शहीद भी अपना अजर खो देगा आलिम भी अपना अजर खो देगा और सखावत करने वाला भी अपना अजर खो देगा और इनके लिए इन सारी मेहनतों का सिला जहन्नम की शक्ल में मिलेगा सिर्फ नीयत की खराबी की वजह से फिर बिदत ही के अमाल जया हो जाते हैं बिदात करने वाले हदीस में आता है यानी हजरत कहते हैं रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम करार दिया था फरमाया था कि जिसने इसमें कोई बिद्दत निकाली इस पर अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत होगी क्यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ से ना कोई फर्ज कबूल करेगा न फलानस कहते हैं या जिस किसी ने बिदत का इतक करने वाले को पना दी फिर इसी तरह अल्लाह के फैसलों पर अपने फैसले करने वालों के अमाल भी जया होते हैं मसलन ये कहना की अल्लाह फलाह को नहीं बख्शेगा भाई आप कौन है ये तो अल्लाह का फैसला है तो ये अल्लाह का फैसला के उसको बख्शे या ना बख्शे लेकिन आप अल्लाह के फैसले पर अपना फैसला सुना रहे हैं तो जैसे कि वो हदीस में आता है ना कि एक शख्स ने इस तरह की बात किसी के बारे में कही हालांकि वो बड़ा नेक था खुद उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए और जिसके बारे में वो बात कर रहा था उसको अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया इसी तरह असर की नमाज छोड़ देना हदीस में आता बुखारी की रिवायत है जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ी उसके अमाल जाया हो गए फिर तन्हाई में हराम काम करना नबी सल्ला ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो क्या के दिन तिहा पहाड़ों की तरह ढेरों नेकिया लेकर आएंगे लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को फजा में फैले हुए गुबार के बारीक रेजों की तरह कर देगा फोबार ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों की सिफात बयान कर दीजिये उनकी जरा वजाहत कर दीजिये कहीं ऐसा ना हो कि हम लाआलमी में उनकी सफ में खड़े हो जाए आपने फरमाया खबरदार वो तुम्हारे ही भाई होंगे तुम्हारी नस्ल से होंगे रात को तुम्हारी तरह क्याम भी करेंगे लेकिन वो ऐसे लोग होंगे कि तन्हाइयों में अल्लाह के हराम करदा उमूर का इर्तिकाब करेंगे यानी जब अकेले होंगे तो हराम काम करेंगे फिर इसी तरह जो वालदैन का नाफरमान हो एहसान जताने वाला हो अपना नसब बदलने वाला हो जुल्म करने वाला हो क्योंकि जालिम के जो नेकियां हैं वो किसको दे दी जाएंगे मजलूम को इसी तरह ख्यानत कार तो करने के काम ये हैं कि इंसान अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करे क्योंकि नीयत पर ही अमाल का दारोमदार है जितने भी नेक अमाल इंसान करता है वो उसी वक्त के आमद के दिन फायदा मंद होंगे जब इंसान की नीयत दुरुस्त होगी और वो क्या होनी चाहिए अल्लाह की रजा वरना तो वहां जाकर जब इंसान को एक छोटी से छोटी नेकी की भी शदीद हिर्स होगी कि उसका मुझे अजर मिले जहा इंसान उस अजर और सिले का इंतहाई मोहताज हो यानी किसी भी नेक अमल का बदला अगर दुनिया में मिलता है तो वो वक्त ही बदला होता है और अगर उसका बदला नहीं भी मिला तो कोई और काम करके इंसान अपना मकसद पूरा कर लेता है लेकिन क्यामत के दिन तो ना नेकी करने का मौका है ना वापस पलटने का मौका है ना कोई रिश्तेदार आपको नेकी दे रहा है अब क्या है सिर्फ और सिर्फ हसरत और नदामत है क्योंकि वो वक्त चला गया वो मवाके चले गए और जो कुछ किया था वो तो बर्बाद हो गया अब हाथ में कुछ भी नहीं है तो याद रखिए बड़े बड़े अमाल नीयत की खराबी की वजह से हकीर हो जाते हैं मुबारक कहते हैं कितने बड़े बड़े अमल हैं कि नीयत जिनको हकीर बना देती है और उसकी दलील इससे है कि जिस आदमी ने हिजरत की तो ये अमाल में से तो बड़ा अमल है लेकिन अमल हकीर हो गया बुरी नीयत की वजह से हिजरत का अजर भी चला गया फिर इसी तरह यह है कि उन तमाम अमाल का इल्म हासिल करें जो अमल को बर्बाद करते हैं और फिर उनसे बचने की कोशिश करें और फिर यह कि अपने अमाल की हिफाजत करने के साथ साथ अपना मुसलसल मुहासबा करते रहें अपनी नीयत पे चेक रखें कि कहीं हम फिसल तो नहीं रहे और कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि अनता पता आमाल तुम लाता शोरून ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें एहसास भी ना हो पता भी ना चले तआला तो हमें आखिरत के दिन की हसरतों से और परेशानियों से महफूज रखे

अल्लाह हमारे तमाम मामला का अंजाम अच्छा कर और हमें दुनिया की रसवाई और आखरत के अजाब से महफूज कर दे रबना व आतना मा व आतना अला रसुलिका वला तुखलिफुल तुखसना यो मल्कि आद अलह तुखसीनी यो मल्किमा अल्लाहबी कम दुनिया वीकी अल-क़ियामा

ताकि क़्यामत के दिन वो हमारे आमाल से हमारे हकूक़ न मांगे और ऐसा ना हो कि उनके हकूक वहाँ आमाल की शक्ल में देते हुए अपनी सारी नकियाँ ख़त्म कर दे अल्लाह तला हमें अपने शक्र गुज़ार बंदों में से बनाए कि कहीं शुक्र करना नेकियों को बाकी रखता है और ना शुक्री नेकियों को ज़ाय कर देती है यानी जो नियमते होती हैं जो नकियाँ होती हैं उनसे इंसान हाथ धो बैठता है या रबालमीन हमें एहसास दे कि जो कुछ तूने हमें दिया है वो हमारी जाती मेहनत नहीं हमारी कोई काबिलियत नहीं बल्कि सारे का सारा तेरा एहसान है उस पर सिर्फ हमारा हक नहीं यार अब हम जानते हैं उस पर सबका हक है पूरे माशरे का हक़ है अल्लाह हमें हर एक का हक़ देने की तोफ़ी अताफ़रमा यारबालमीन हमें साइल और महरूम को देने की तोफ़ी अताकरमीन हर उस शख्स की मदद करने की तोफ़ी दे जो मदद के मुस्क है और हम उसमें मदद कर सकते हैं यह आलमीन तो हम सब से राजी हो जा और हमारे सारे अमल आखरत के लिए हो तेरी रज़ा के लिए हो और सारी उम्मीदें तुझसे ही वस्ता हों और हमारे अमाल में मफाद परस्ती ना हो खुद गर्जी ना हो रियाकारी ना हो अजियत देना ना हो लोगों से बिगड़ना ना हो हमें बुरे अखलाक से बचा बुरी ख्वाहिशात से बचा बुरे लोगों से बचा ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون मुस्तादा जी मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं वो ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रोजे की नियत और नमाज की नियत नहीं करी तो तुम्हारी नमाज और रोजा बात हो गया तो नियत से क्या मुराद नियत है? से बराती है कि आपने नमाज पढ़ने का ही इरादा किया था इसीलिए आप अपने बेड से उठे थे और वजू करने गए ये नियत हो गई है ना ठीक है लेकिन अगर आपने वैसे ही वो धो लिया और फिर नियत के भी दर्जे है ना एक बस दिल में ऐसी नीयत है और एक है जैसे मैंने रोबोट की मिसाल दी रोबोटिक तरीका इबादत करने का और एक ये है कि इंसान उठे तो अल्लाह को याद करते हुए उठे और अल्लाह की रजा के लिए वो काम करे इसकी कोई खास नीयत तो नहीं, नहीं है ना लफाज में कोई नीत है वो जैसे पाकिस्तान में कर नियत करता नमाज की तो ये कुछ नहीं है ना और रोजे की कोई खास नीयत नहीं कोई खास नहीं बस ये रोजा रखें और वैसे भी नीयत दिल में होती है ना जी अच्छा अच्छा तो आपके दिल के जज्बात होते हैं वो अच्छा तो ये तो नहीं है ना वे सोमेगा नवेत में शाह ये भी कुछ मसनून नहीं, नहीं, नहीं है अच्छा और वैसे भी कल के रोजे की तो रोजा तो आज रख रहे हैं तो कल की नियत कैसे कर रहे हैं आज अच्छा तो ये कितनी ज़रूरत है मालूम की और एक ये पूछ रही थी जैसे बच्चों से ये किसी से कहा जाता है ये कदर अल्लाह ये जो थी किस्मत में था बस हो गया है जैसे अल्लाह ने लिखा हुआ यह ना तो फिर वो कहते हैं जब अल्लाह ने लिखा हुआ ही था तो ये तकदीर का क्या मसला है ये तो आप कहते हैं कि ये तो लिखा हुआ ही था फिर हम कैसे यकीन करें अल्लाह ने क्यों ये अल्लाह ने जो इख्तियार दिया वो भी तकदीर में लिखा हुआ था इख्तियार दिया जा रहा है

था था जी मैं ये जो तन्हाई की बात आपने की ना कि तन्हाई में हराम करने वाला अमाल जाया हो जाते हैं तो ये तो इंसान करते हुए कभी सोचता भी नहीं होगा कि जो बाकी के अच्छे अमाल हैं वो भी जाया होते हैं और अगर इसको कनेक्शन बनाए तो इतना सही कनेक्शन है कि यानी फिर अकेले में जब आप अल्लाह से नहीं डर रहे तो पब्लिक में तो फिर आप लोगों के डर से फिर आप अच्छे काम कर रहे हो ना वो तो अल्लाह के लिए तो ना हुआ न हुआ सोचना भी अल्लाह के लिए ना हुआ और करना भी अल्लाह के लिए ना हुआ सुबह और ये जो आखिर में आपने फरमाया ना की कई दफा आखिरी उम्र में अल्फाज इस तरह के निकल जाते हैं मुँह से जिन पे इंसान पछताता है तो दो दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो बेचारी इतना ज्यादा बेरस होनी थी ना कुछ मुलाजिमा से कह दिया कुछ ऐसी बात जो नहीं कहनी थी एहसान जताने टाइप की बात थी तो मुझे इतना रहम भी आ रहा था उनकी अपनी स्टेटमेंट थी कि मैं कभी तस्वर भी नहीं कर सकती कि मैं इतनी घटिया बात कर सकती और जब मेरे मुँह से निकल गई तो मुझे फिर बहुत ही रहम भी आ रहा था मैंने उनसे